हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट फर्स्ट जीयूआई एप्लीकेशन बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है जी, हम देखेंगे इसमें कैसे आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं पाइथन में। उसके लिए हमें किन किन लाइब्रेरीज और किन किन हमें लिप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी, और कौन कौन से विजिट्स होते हैं जो कि इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले जीयूआई क्रिएट करने के लिए दो मेन फंक्शन है जो आपको हमेशा यूज करने होंगे, टू मेन मेथड्स यूज्ड इन जीयूआई। ठीक है जी, कौन कौन से? एक मेथड आपका टीके और एक मेथड है मेन लूप का। टीके मेथड क्या करता है? टीके मेथड ये करता है कि टू क्रिएट अ मेन विंडो, ये एक मेन विंडो क्रिएट करता है। ठीक है जी, जो कि ये मेथड कहाँ से आता है, ये आपके पास टीक इंटर लाइब्रेरी होती है इसके लिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है जी, ये क्या है, ये इसकी लिब है। ठीक है जी, यूज करते हैं और इसका ये फंक्शन कॉल करते हैं हम टीके। ठीक है जी, जिसमें ये जो आपको क्लास नेम के आगे नजर आ रहा है टीके, ये आपका अपनी मर्जी का जो भी आप मेन विंडो का नेम रखना चाहते हैं, मेन विंडो नेम रखना चाहते हैं आप, जो भी टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ रखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है जी मेन लूप। मेन लूप का क्या काम है? देयर इज़ अ मेथड नोन बाय द नेम मेन लूप इज़ यूज्ड व्हेन योर एप्लीकेशन इज रेडी टू रन। ठीक है जी, ये करता क्या है? ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है, ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑन रहती है और वो टर्मिनेट नहीं करती। ठीक है, जब तक ये मेन लूप चलता रहता है, जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं ये मेन लूप टर्मिनेट करता है और एप्लीकेशन आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, इसको आगे हम मजीद डिटेल में देखते हैं। ये एक बेसिक जीओई एप्लीकेशन है, ये देख रहे हैं बेसिक जीओई एप्लीकेशन जिसमें हमने इम्पोर्ट किया जी, क्या इम्पोर्ट किया? टिक इंटर आपने इम्पोर्ट किया, ये आपकी जी लाइब्रेरी है, ये लिब है आपकी। ठीक है जी, उसके बाद आपने टिक इंटर डॉट टीके किया तो एक फॉर्म क्रिएट हुआ और इसके ऊपर इसने बाय डिफॉल्ट टीके ही लिख दिया। ये क्या है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्म का टाइटल है। ठीक है जी, उसके बाद एंड में यहाँ पर आप सम विजिट्स ऐड करेंगे। विजिट्स कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और एम डॉट मेन लूप आप स्टार्ट कर देंगे। ये मेन लूप जब तक ऑन स्टार्ट रहेगी तब तक ये आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह की आती रहेगी। ये आपकी आउटपुट है, ये एक मेन विंडो जो आप देख रहे हैं, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी आउटपुट है। ठीक है जी, जी विजिट्स कौन कौन से इस पे हम यूज़ करते हैं? विजिट्स होते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं लेबल। लेबल क्या होता है जी? अ विजिट यू टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, उसके बाद बटन एक है। बटन क्या करता है? बटन कंटेन टेक्स होता है और कैन परफॉर्म एक्शन व्हेन क्लिक्ड, उस पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। एंट्री क्या है जी? अ टेक्स्ट एंट्री विजिट दैट अलाउज ओनली अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है जी, ये किस तरह की चीज़ होती है, इसमें आप सिंगल लाइन ऑफ, यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या चीज़ है? टेक्स्ट एंट्री विजिट दैट अलाउज मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इसके अंदर आ सकती है। ठीक है जी, और लास्ट पे हम देखते हैं फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? रेक्टेंगुलर रीजन, एक रीजन होता है यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड विजिट्स। ठीक है जी, जिसको आप ग्रुप करना चाहते हैं उन विजिट्स को आप फ्रेम के अंदर ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है? और प्रोवाइड पैडिंग बिटवीन विजिट्स, जिसे एक स्पेस और एक जैसे या रेलिवेंट आप विजिट्स एक बॉक्स में सेपरेट कर देते हैं और दूसरे जो हैं वो इररेलीवेंट या उससे रेलिवेंट जो ना हो वो आप, मतलब एक जैसे विजिट्स आप एक में फ्रेम में रख देते हैं और दूसरे जो और टाइप के होते हैं वो दूसरे फ्रेम में रख देते हैं। इससे उनके दरमियान में स्पेसिंग पैडिंग भी रहती है। ठीक है जी, और एक खूबसूरत सी, एक ब्यूटीफुल सी एक शेप आ जाती है आपके फॉर्म के अंदर। किस तरह? जिस तरह ये एक फॉर्म है जी। ठीक है जी, इसके अंदर आपने एक फ्रेम यहाँ बनाया, एक फ्रेम यहाँ पे बनाया और एक फ्रेम यहाँ पे बनाया। ठीक है जी, कुछ विजिट्स आपने इधर ऐड कर दिए और कुछ विजिट्स आपने इधर ऐड कर दिए। ठीक है जी, इसमें कुछ विजिट्स आपने यहाँ ऐड कर दिए, कुछ यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये और ये क्या है जी? ये फ्रेम्स है। ठीक है जी, ये फ्रेम्स विजिट है। लास्ट में हम देखते हैं एक छोटे से विजिट की एग्जांपल जो कि लेबल विजिट। लेबल विजिट कैसे काम करता है? सेम हम इंपोर्ट करते हैं आपकी टिक इंटर। ठीक है जी, ये आपने इंपोर्ट की, ये है जी आपके लेब। उसके बाद इसका आपने ऑब्जेक्ट बना लिया एक टीके, विंडो एक वेरिएबल इज इक्वल टू टीके डॉट टीके। ठीक है जी, तो ये आपने एक खाली फॉर्म जनरेट हो गया, उस पर ग्रीटिंग के नाम से एक वेरिएबल लिया आपने, देन टीके डॉट लेबल। टीके के अंदर आपने लेबल कॉल किया, लेबल में क्या टेक्स्ट होगा जी? हेलो टीक इंटर। ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद ग्रीटिंग डॉट पैक, जब तक आप पैक कॉल नहीं करेंगे, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, जब तक आप पैक कॉल नहीं करेंगे तो लेबल जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, एंड एंड में आपकी मेन लूप आ गई जो कि इसको अलाइव रखेगी। किस लिए होती है जी? ये आपकी होती है टू मेक योर ऐप अलाइव। ठीक है जी, ये आपकी ऐप को अलाइव रखती है। तो ये आपकी आउटपुट आ गई है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ये लेबल विजिट है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये है जी आपका लेबल विजिट। तो दैट्स इट गाइस, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक इनिशियल चीज़ें हमने देखी हैं, हम कैसे जो है वो पाइथन में एक ग्राफिकल यूजर एप्लीकेशन बना सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।